अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर फैजान मलिक, योर मैथमेटिक्स ग्रेड 9 टीचर। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम एंड यू आर सेफ एंड सिक्योर विद योर फैमिली। सो आई विश दैट यू एंड योर फैमिली विल बी स्टे सेफ एंड विल बी स्टे हेल्दी। सो as you all know that we are unable to conduct your physical classes, so we have switched to the online classes. So in today's lecture we are going to discuss further more details about chapter number 1 sets, which we have discussed already in previous class. So in chapter 1 sets we are on exercise 1.2 as it's mentioned on the board, and in today's class we are going to try to solve question number 17, 18, 19 till 20. So let's start. As you can see on the screen, chapter 1 sets exercise 2. So now we'll discuss it in detail furthermore. In exercise 1.2 we have completed till question number 16. So now we will move forward from question number 17. Before solving question number 17, we have to know about the statement. जो statement mentioned है, in which they have mentioned sets and elements of these sets. So we have two sets here, A and B, for question number 17. क्योंकि question number 17 में दो ही sets की जिक्र किया गया, set A and B. So you can see on your screen that question 17 have a proof or show that. Proof that भी कहा जाता है और show that भी कहा जाता है. Proof, we have to prove this question, means A symmetrical B, we have to solve first A symmetrical difference B, और उसका जो answer आएगा वो आना चाहिए बिल्कुल equal A union B minus A intersection B को solve करने के बाद जो answer आएगा उसके. So for that purpose we have to consider first one side. हम एक साइड कंसीडर करेंगे और इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे. ये आप पे डिपेंड करता है, यू विल चूज लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और राइट हैंड साइड फर्स्ट, बट हियर आई हैव कंसीडर्ड लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी, एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी के अंदर हम सबसे पहले दो सेट्स के दरमियान सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड करेंगे जो हमारे पास यहाँ गिवन है, सेट ए एंड बी. इन सिमेट्रिकल डिफरेंस वी हैव टू डू कि हमें कैंसिल करना है सेम एलिमेंट्स को दोनों सेट्स के, मींस जो दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट है वी हैव टू कैंसिल इट. सो यू कैन सी द सेम एलिमेंट इन दीज बोथ सेट्स आर 2 and 4 सेम एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद एक सिंगल सेपरेट आंसर के लिए सेट बनाएंगे जिसके अंदर वी विल राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जब बच जाएंगे कैंसिलेशन के बाद एलिमेंट्स, उन्हें हम आंसर में एज अ सेट लिखेंगे सेपरेटली. सो हेयर ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का आंसर आया 1368. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो नाउ वी विल कंसिडर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है. यहाँ पर तीन फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एंड द आंसर ऑफ बोथ विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय ईच अदर. So if we want to subtract A union B with A intersection B, so we have to find A union B first. So हमने first we will find A union B, set A and B का union find करेंगे. Union find करने के लिए we have to write all the elements of both sets. हम एक single set के अंदर दोनों sets के तमाम elements को एक साथ लिख देंगे merge करके. As you can see the set A have 1, 2, 3, 4 and set B have 2, 4, 6, 8. अगर कोई नंबर दोनों सेट्स में कॉमन है तो हम उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे आंसर के सेट में. एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 टू और फोर दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे थे तो हमने उसे सेट में रिपीट नहीं किया, बट वी है हमने उसे सिर्फ एट अ सिंगल टाइम लिख दिया है. सो नाउ वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वी हैव टू राइट कॉमन नंबर्स. जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नंबर होंगे वो हमें दिखना है. इन द सेट ए एंड सेट बी द कॉमन नंबर्स आर 2 and 4. सो यू कैन सी वी हैव राइट इन द आंसर इन अ सेपरेट सेट 2 and 4. सो ए इंटरसेक्शन बी
का आंसर आया है 2 and 4. नाउ वी हैव फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. सो नाउ वी कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट दीज टू, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया था 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड ए इंटरसेक्शन का आंसर आया था 2, 4. इन सब्ट्रैक्शन हम दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं. यू कैन सी 2 and 4 आर द सेम एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स. कैंसिल आउट करने के बाद हम आंसर में जो सेट, जिस सेट के अंदर हम आंसर लिखेंगे, उस सेट के अंदर हम फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे. जो फर्स्ट सेट है हमारे पास ए यूनियन बी का है. सो इन द फर्स्ट सेट आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 2, 4 हमारे पास रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 6, 8 बचे हैं. सो वी हैव रिटन द आंसर 1, 3, 6, 8. एज यू कैन सी द ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का जो आंसर था वो 1, 3, 6, 8 था और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी 1, 3, 6, 8 आ रहा है. सो एट द एंड वी हैव टू राइट हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर प्रीवियस वर्क एंड टुडेज वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 20. सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 है. इन ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड विद द राइट हैंड साइड. फर्स्ट यू हैव टू टेक एनी वन ऑफ साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एंड देन यू हैव टू प्रूव इट विद द अदर साइड. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क सबमिट योर कॉपी टू द स्कूल ऑन द गिवन डेट्स. Take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.